साथी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए थे। पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव से पहले कुछ इस किस्म के हालात प्रदेश में बने कि आपकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी जब सत्ता की तरफ बढ़ रही तो कैसे रोका जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने संयंत्र के तहत आपकी पार्टी को तोड़ने का काम या पार्टी को तोड़ने का काम किया, वही आप जैसे साथियों को भी बदलाया गया और आप सत्ता तक नाम पहुँच पाओ। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें आपके बीच में कही जो नामुमकिन थी, जिनको पूरा करना बहुत ही मुश्किल कार्य था, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इसलिए विश्वास कर लिया। लंबा समय हो गया हम सत्ता से दूर गए, सत्ता में आएंगे तो जो बात आज हम कह रहे हैं उन सब बातों को पूरा करने का काम करें। लेकिन जो सत्ता के लालची लोग थे उन लोगों ने सत्ता में तो शामिल हो गए, लेकिन आपको जो बात कही थी, आपसे जो वायदे किए थे उनको पूरा करने की बजाय कहीं पार्टी से जुड़े हुए लोगों को अपमानित करने का काम, आज आपने घर वापसी करी। बलवान सिंह के नेतृत्व में आज आप फिर वापस चौधरी देवीलाल की नीति में विश्वास प्राप्त करने के लिए आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। पहले भी आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं थी और आगे भी आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन आपकी भी एक जिम्मेवारी है कि अपने अपने इलाके में अपने अपने दोस्त मित्रों को जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, अब आप उन लोगों से ज़्यादा संपर्क करो, उन लोगों को फिर से घर वापसी करवाने का काम। बहुत सारे साथियों ने पार्टी में फिर से अपनी घर वापसी करी है, वही शमशेर के साथ भी चार साथी आए, उन चारों साथियों का भी स्वागत करता हूँ। भरोसा दिलाता हूँ कि आपको पार्टी में फिर से वही मान सम्मान मिलेगा और आप भी अब पार्टी के लिए जिस तरह मैं दिन रात अपनी एक जिम्मेवारी को निभाने का काम कर रहा हूँ, आप मेरे से भी ज़्यादा जिम्मेवारी के साथ इस पार्टी को मजबूत करने का काम करो, ताकि जब ये कोरोना की महामारी ख़त्म हो उसके बाद हम चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस को मनाने का काम जो हर साल हम मनाते हैं 25 सितंबर 25 सितंबर को हो सकता है उसके बाद हम उसको नाम ना पाए, लेकिन जैसे हमारी का अंत होगा उसके बाद उनके जन्मदिन को मनाएंगे और उस जन्मदिन के ऊपर ही चौधरी देवीलाल के प्रति आस्था व्यक्त करने वाले लोग हैं जब वो लाखों की संख्या में इकट्ठा हो जाएगी, फिर साथियों आपको किसी से संपर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर लोग आपसे संपर्क करेंगे और आपकी पार्टी में आस्था व्यक्त करके आने वाले समय में आपकी ताकत को मजबूत करने का काम करें। मैं आपसे आशा भरोसा रखूँगा कि आप इस काम को आगे बढ़ाओगे। प्रधान जी से कहूँगा कि आप सभी इस पार्टी में शामिल करें। मुझे किसी से 10 मिनट मिलने के लिए जाना है, आप वो तब तक तय कर दीजिए, फिर बात करके आपसे मिलना है।